नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। चुनाव खत्म होते ही उत्तराखंड बीजेपी में जबरदस्त घमासान शुरू हो गया है। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक पर चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी काम करने का आरोप लगा है। आरोप लगाने वाले बीजेपी के विधायक और नेता हैं। इससे पार्टी में काफी हलचल है। सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा है कि चुनाव नतीजे से पहले ही बीजेपी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। लक्सर के बीजेपी विधायक संजय गुप्ता का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। संजय गुप्ता ने अपने वीडियो संदेश में कहा, उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक ने इस चुनाव में पार्टी की हार सुनिश्चित करने के लिए कई बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ काम किया। उन्होंने मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहे बीएसपी उम्मीदवार का समर्थन किया, वो देशद्रोही हैं। मैं बीजेपी नेतृत्व से उन्हें पार्टी से बर्खास्त करने की मांग करता हूं। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर्स पर हुए किसान आंदोलन का प्रमुख चेहरा बने राकेश टिकैत ने मंगलवार को बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। टिकैत ने लखीमपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी के नेता आपसे हिजाब की बात करेंगे, लेकिन आप इनसे हिसाब और किताब की बात करें। उन्होंने जनता से कहा कि बीजेपी के नेता आपसे हिंदू और मुसलमान और जिन्ना और पाकिस्तान की बात करेंगे, लेकिन वो इनसे हिसाब किताब देने को कहें। उन्होंने कहा कि जनता को सोचना है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जनता के बीच का चाहिए या कोरिया जैसे हालात बने और दूसरा किम जोंग चाहिए। किसान नेता ने कहा कि किसी भी राज्य में तानाशाह सरकार नहीं चाहिए और लोग सोच समझ कर अपने मत का इस्तेमाल करें। पंजाब के अपने सियासी किलों को बचाने की जद्दोहद में जुटे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को राज्य में कई जगहों पर ताबड़तोड़ रैलियां की। इन रैलियों में उन्होंने शिरोमणि अकाली दल बीजेपी के साथ ही आम आदमी पार्टी पर भी हमले किए। राहुल ने कहा कि वो कभी भी जनता से झूठे वादे नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि बहुत सारे नेता झूठे वादे करते हैं, इनमें प्रधानमंत्री मोदी, शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर बादल, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं। राहुल ने जनता को याद दिलाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अगर नोटबंदी से काला धन नहीं मिटा तो मुझे फांसी पर लटका देना, लेकिन क्या हुआ? उन्होंने कहा कि आम जनता को तो लाइनों में खड़ा कर दिया गया, लेकिन कोई अरबपति इन लाइनों में नहीं दिखाई दिया। राहुल गांधी ने पहली बार पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भी हमला बोला। राहुल ने चुनावी रैली में कहा कि उन्होंने कभी अमरिंदर सिंह को किसी गरीब शख्स को गले मिलते नहीं देखा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि जिस दिन उन्हें ये बात समझ आई कि अमरिंदर सिंह और बीजेपी का रिश्ता है, उस दिन कांग्रेस ने अमरिंदर सिंह को हटा दिया। इससे पहले राहुल गांधी चुनावी सभाओं में अमरिंदर सिंह का नाम लेने से बचते रहे, लेकिन अब अमरिंदर सिंह पर हमला बोलकर उन्होंने जता दिया है कि कांग्रेस इस पूर्व मुख्यमंत्री को नहीं बख्शेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार ने मंगलवार को कांग्रेस को अलविदा कह दिया। अश्विनी कुमार ने अपने इस्तीफे का पत्र कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेज दिया। अश्विनी कुमार मनमोहन सिंह की सरकार में कानून मंत्री रहे थे। अश्विनी कुमार के पार्टी छोड़ने से कांग्रेस को बीते दिनों में ये एक और बड़ा झटका लगा है। कुछ दिन पहले एक और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी थी। बीते एक साल में ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, सुष्मिता देव, अमरिंदर सिंह, लुजिनो फलेरो सहित कई बड़े नेता कांग्रेस से किनारा कर चुके हैं। कांग्रेस छोड़ने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को पार्टी में बेइज्जत किया गया। इसके साथ ही उन्होंने पंजाब में आम आदमी पार्टी की लहर बताई। द इंडियन एक्सप्रेस के साथ एक बातचीत में पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस छोड़ने के इस निर्णय पर बहुत विचार किया, जिससे मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि कांग्रेस पार्टी के ढांचे के भीतर इस महत्वपूर्ण समय में मैं देश में सार्वजनिक और राजनीतिक विमर्श में उपयोगी योगदान नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रगतिशील परिवर्तन की पार्टी के रूप में अपना आधार खो चुकी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के एक और मामले में दोषी करार दिया गया है। रांची की सीबीआई कोर्ट ने मंगलवार को घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार से निकासी के मामले में फैसला सुनाया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लालू व आरजेडी के समर्थक अदालत के बाहर मौजूद थे। अप्रैल 2021 में झारखंड हाईकोर्ट ने लालू यादव को चारा घोटाले में जमानत दी थी। लालू इस मामले में लंबे वक्त तक जेल में रहे थे और कई बार उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई थी। बता दें, बिहार में चारा घोटाले का मामला 1985 में पहली बार सामने आया, जब सीएजी टीएन चतुर्वेदी ने पाया कि बिहार के कोषागार और विभिन्न विभागों से धन निकाला जा रहा है और इसके मासिक हिसाब किताब में देरी हो रही है। साथ ही खर्च की गलत रिपोर्टें भी पाई गईं। करीब 10 साल बीतने पर यह बड़ा रूप ले चुका था। आज समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने रायबरेली में कार्यकर्ता सम्मेलन किया। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए एक एक कर अपने घोषणा पत्र के वादों को गिनाया और सीएम योगी आदित्यनाथ पर बेरोजगारी और कानून व्यवस्था को लेकर भी जमकर हमला बोला।
अखिलेश ने कहा कि बीजेपी में जो जितना बड़ा नेता है वो उतना ही बड़ा झूठ बोलता है। अखिलेश यादव ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में केवल भ्रष्टाचार डबल हुआ है। इसके साथ ही अखिलेश ने बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के लोग रास्ते से भटक गए हैं, वो बाबा साहब के रास्ते से भटक गए, इसलिए उनके चक्कर में ना आना। उनकी सरकार तो बननी नहीं है और ना ही कांग्रेस की बननी है, इसलिए कोई गलती नहीं करते हुए साइकिल की ही मदद करना है। हिजाब विवाद को लेकर अब कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से पेश होने वाले एक वकील मोहम्मद ताहिर ने मांग की है कि इस मामले की सुनवाई को 28 फरवरी तक स्थगित कर दिया जाए। वकील ने राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में चल रहे चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि राजनीतिक दल इस मुद्दे का उपयोग अपने फायदे के लिए कर रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ समुदायों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें, कर्नाटक हाई कोर्ट छात्राओं की याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब के इस्तेमाल पर रोक को चुनौती दी गई है। संसद टीवी का यूट्यूब चैनल टर्मिनेट यानी बंद कर दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया, इसका जवाब संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर लिखा आ रहा है, जिसका मोटा मोटा अर्थ ये है कि यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन करने के लिए इस खाते को बंद कर दिया गया। YouTube के कम्युनिटी गाइडलाइंस में आमतौर पर निर्देश होते हैं कि ऐसी चीज़ों का ही प्रसारण किया जा सकता है जो उस देश के नियम कानून का उल्लंघन नहीं करता हो और भड़काऊ हिंसा को बढ़ावा देने वाला अश्लील जैसी सामग्री ना हो। संसद टीवी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही के साथ साथ रिकॉर्ड किए गए कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण करता है, लेकिन संसद टीवी के YouTube खाते को मंगलवार की सुबह ये कहते हुए बंद कर दिया गया कि YouTube के सामुदायिक दिशा निर्देशों का उल्लंघन हुआ। हालांकि ये तुरंत साफ नहीं हो पाया है कि संसद टीवी YouTube चैनल द्वारा किन दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया गया था। YouTube की ओर से भी अभी तक ये नहीं साफ किया गया है कि वास्तविक वजह क्या है। रूस यूक्रेन सीमा पर हफ्तों के तनाव के बाद अब रूस ने तनाव कम करने के लिए कदम उठाया है। रूस के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने मंगलवार को कहा कि वो यूक्रेन की सीमा से अपनी कुछ फोर्स को वापस बुला रहे हैं। रूसी समाचार एजेंसियों ने रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के हवाले से कहा, सदर्न और नॉर्दर्न मिलिट्री की इकाइयों ने अपना टास्क पूरा कर लिया। उन्होंने रेल और रोड ट्रांसपोर्ट के जरिए लोडिंग शुरू कर दी है और आज वे अपने सैन्य ठिकानों में वापस लौट जाएंगे। वहीं इस बीच भारत ने मंगलवार को यूक्रेन में अपने नागरिकों को अस्थायी रूप से देश छोड़ने पर विचार करने की सलाह दी। रूस द्वारा यूक्रेन पर किसी भी वक्त हमला किए जाने की आशंका जता चुके अमेरिका ने अब कहा कि इस संकट के समाधान की सभी उम्मीदें खत्म नहीं हुई हैं। 40 मिनट की फोन पर बातचीत के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने ये उम्मीद जताई कि अभी समझौता संभव है, लेकिन साथ ही ये चेतावनी भी दी कि रूस और यूक्रेन के बीच स्थिति नाजुक बनी हुई है। बता दें, लगभग दर्जन भर देशों ने अपने नागरिकों को तुरंत यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा है। वहीं अमेरिका कह चुका है कि यूक्रेन पर हवाई हमले किसी भी वक्त शुरू हो सकते हैं। अब तक की खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।